ये जो क्वेश्चन टू है ये क्लास टेंथ की मैथ्स के एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने उस वाला सैंपल पेपर से लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर क्या पता करना है कि कौन सा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं और इसी में से हमें बताना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इसमें ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ए बी सी क्या रहते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। ये क्या रहता है, रियल नंबर्स, जिसमें ए जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ए वाला है इसको चेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है हमारा, टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा, जिसका कि फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर x माइनस वन का होल स्क्वायर जो है इसका हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, ठीक है। तो ये टू हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू वन है, तो इसका फार्मूला हम बनाते हैं, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू और एक्स और वन इन तीनों को इंटू कीजिए तो टू एक्स आएगा, ठीक है। फिर प्लस ये प्लस लगा दे बी स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा, ठीक है। इक्वल टू ये लिख दीजिए आप इसको, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखिए टू है और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टू से ये तीनों टर्म इंटू होगा, तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस टू टू जा फोर एक्स, फिर प्लस टू वन जा टू, ये होगा इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है ना। तो अब हमें देखिए जनरल इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है, आप देख सकते हैं कि इक्वल क्या है, यह आरएचएस साइड में जीरो है, तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म हैं यहाँ पर इसको हम इधर साइड लेकर आएंगे, तभी यहाँ पर हमारा जीरो आएगा, ठीक है। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, अब ये तीनों टर्म हम इधर लेकर आएंगे, तो ये इसका साइन क्या है, ये पॉजिटिव है, इधर साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये पॉजिटिव टू एक्स हो जाएगा, और ये प्लस वन है इधर साइड आएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा। तो हमने ये तीनों टर्म को इधर लेकर आ गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये टू एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, आप फोर में से टू माइनस कीजिए तो क्या होगा, टू होगा, क्योंकि फोर बड़ा है इसलिए इसका साइन रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर होगा, फिर ये फोर एक्स है और ये टू एक्स है, इसका देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो फोर एक्स में से टू एक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स, और क्योंकि फोर बड़ा है तो यहाँ पर निगेटिव साइन होगा, ठीक है। फिर ये प्लस टू है और ये माइनस वन है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, टू में से वन माइनस कीजिए तो क्या होगा, वन होगा, इक्वल टू जीरो। तो अब ये हमारे पास ये पूरा हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया है। अब ये जो ये इक्वेशन बन रही है, अब इसको कंपेयर कीजिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारी ये जो आया है, ये बिल्कुल जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी के फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, और माइनस टू और माइनस टू और ये वन, ये जो दिख रहा है आपको नंबर, ये क्या है, रियल नंबर से, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि ए बी सी क्या है, रियल नंबर से। तो ये इक्वेशन जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट में है, तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हमें क्या चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ए वाला तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, तो सेकंड हमारा क्या है, ये देखिए ये बी, बी हमारा क्या दिया हुआ, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ये दिया हुआ है। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को इधर लेकर आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इक्वल टू जीरो,
इसका जनरल फॉर्मेट जो है उसमें क्या है, इक्वल के बाद क्या जीरो है, तो जीरो कब होगा जब हम इन दोनों टर्म को इधर साइड लेकर आएंगे एलएचएस साइड में, ठीक है ना। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका साइन क्या पॉजिटिव है, इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस फाइव है इधर साइड आएगा तो इसका भी साइन निगेटिव हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि ये पूरे दोनों टर्म इधर आ चुके हैं तो यहाँ क्या बचेगा जीरो बचेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2x, और देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों टर्म सेम है तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो दोनों को जोड़ दीजिए आप तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा, दो बार ये टर्म रिपीट हो रहा है तो दोनों माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों जोड़ने पर 2x स्क्वायर होगा, और दोनों का साइन निगेटिव है इसलिए यहाँ पर निगेटिव लगेगा, ठीक है। फिर ये क्या है माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ है, देखिए यहाँ पर ये बीच में दिया हुआ सेकंड टर्म है तो इसको आप पहले लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि जनरल फॉर्मेट क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये है जनरल फॉर्मेट। तो हमको ये क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ बीच में दिया हुआ है और यहाँ पहले दिया हुआ है तो इसको रीअरेंज करके हमें इसमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म हम पहले लेते हैं माइनस टू एक्स स्क्वायर साइन के साथ, इसका साइन क्या है निगेटिव, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है बी एक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स की डिग्री जो है सबसे पहले क्या हाइएस्ट टू है, तो यहाँ पर भी इसको भी आपको इसी तरह से सेट करना होगा, जहां पर एक्स का डिग्री सबसे ज्यादा टू है उसको आपको पहले लिखना होगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया, इसका साइन है निगेटिव तो साइन के साथ लिखेंगे। फिर क्या है ये देखिए इसका साइन क्या है प्लस है, तो इसके बाद क्या हम लिखेंगे प्लस टू एक्स, ये लिखेंगे। फिर ये क्या है माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में हमने लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। देखते हैं सी क्या है, ये देखिए इसको लिख देते हैं हम, सी क्या है रूट टू एक्स प्लस ये क्या है रूट थ्री का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ये दिया हुआ है तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूट टू एक्स है और ये क्या है रूट थ्री है, और यहाँ पे दो टर्म है, एक रूट टू एक्स है और दूसरा क्या है रूट थ्री है, तो दो टर्म है और दोनों में क्या लगा है प्लस करके होल स्क्वायर लगा है, तो यहाँ फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है फॉर्मूला, यही फॉर्मेट यहाँ पर ये इसी फॉर्मेट में ये है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम लोग सेवन एट नाइन टेंथ में पढ़ते चले आ रहे हैं और आगे भी पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं, तो यहाँ पर a हमारा क्या है रूट टू एक्स है और b क्या है रूट थ्री है, तो ए स्क्वायर बोल रहा है यानी कि रूट टू एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, फिर क्या प्लस टू ए बी, तो ए कितना है आप देख सकते हैं रूट टू एक्स है, तो रूट टू एक्स इंटू बी क्या है हमारा रूट थ्री है ये है, फिर क्या है प्लस ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि रूट थ्री का होल स्क्वायर ये हो गया, फिर ये इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू, फिर ये क्या है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ठीक है ये हो गया। अच्छा रूट टू एक्स का होल स्क्वायर यानी कि इसको दो बार इंटू करेंगे, तो रूट टू को दो बार इंटू कीजिए तो रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है टू के बराबर होता है। अच्छा एक्स को दो बार इंटू करेंगे तो एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है प्लस ये टू है और ये एक्स है, ठीक है। और रूट टू और रूट थ्री, रूट टू इंटू रूट थ्री ये क्या हो जाएगा रूट सिक्स के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा टू, ये टू लिख दिया और ये दोनों इंटू किया रूट टू और रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा रूट सिक्स और फिर ये एक्स, ठीक है ये तीनों इंटू करने पर ये आएगा हमारा, फिर क्या है प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, इसको दो बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा थ्री आएगा प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ठीक है। अच्छा ये टू एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ये दोनों ऐड कर लिया, फिर ये क्या है हमारा टू रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म को हम इधर लेकर आएंगे, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री, ये इसका साइन पॉजिटिव है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये माइनस फाइव एक्स है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस फाइव एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों टर्म इधर आ गया तो यहाँ क्या रहेगा जीरो रहेगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, दोनों नंबर सेम है लेकिन अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल होकर जीरो हो गया, तो क्या बच रहा है तो हमारे पास जो बच रहा है टू रूट सिक्स एक्स ये बच रहा है प्लस थ्री प्लस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो,
ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर देखिए, इसमें भी x लगा हुआ है, इसमें भी x लगा हुआ है, तो इसको हम साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। ये और ये टर्म, ये साथ में लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, इन दोनों को एक साथ लिख दे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स दोनों में है, प्लस थ्री इसको हम अलग लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब आप देख सकते हैं इसमें ये इंटू में है एक्स, दोनों में एक्स है, तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो कॉमन निकल जाएगा एक्स बाहर, तो क्या बचेगा, टू रूट सिक्स प्लस फाइव प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो हमने इसको सॉल्व किया, जो हमारा ये क्वेश्चन था यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये सी वाला, इसको सी वाले को जब हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है हमारे पास। अब जनरल फॉर्मेट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसको आप लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब कंपेयर कीजिए, क्या ये जो इक्वेशन है इससे मिल रहा है, आप देख सकते हैं नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म तो है नहीं, प्लस बी एक्स एक्स वाली टर्म है ये, और सी ये है, मतलब कि केवल ये दो टर्म है मिल रहा है, बी एक्स प्लस सी यहाँ पर मिल रहा है आपको, लेकिन ये टर्म नहीं मिल रही है, एक्स स्क्वायर वाला कोई भी टर्म इसमें नहीं है, इस वाले इक्वेशन में, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, कि हमारा ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सी हमारा नहीं है, इसमें हमें यही पता फाइंड करना था कि कौन सा है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमने सी चेक किया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो एक तो आंसर सी हो गया हमारा। अच्छा डी भी हम चेक करके देख लेते हैं, डी हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, एक्स का पावर फोर प्लस थ्री प्लस फोर एक्स क्यूब, ठीक है, ये है मैंने लिख दिया। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये इसी के फॉर्मेट में, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, तो इसको इसमें फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, और बी की वैल्यू क्या है, टू एक्स है, तो ए स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, ये ए की वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ मैं बता दूं ए क्या है, कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है, और बी की वैल्यू क्या है, टू एक्स है, ठीक है, आप देख सकते हैं बी की वैल्यू क्या है, टू एक्स है, तो अब जस्ट फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए वैल्यू, ए स्क्वायर बोल रहा है, तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, अब क्योंकि स्क्वायर लगाया तो अब यहाँ पर स्क्वायर लगाए, तो ये हमारा हुआ ए स्क्वायर, फिर क्या, प्लस टू ए, ए कितना है, एक्स स्क्वायर, फिर बी कितना है, टू एक्स है, तो इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, टू इंटू ए इंटू बी, फिर क्या, प्लस ये क्या है, बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है, टू एक्स, और क्योंकि स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, तो अब इसको ओपन कीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, फिर होल स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला पावर एन एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा, एक्स का पावर एम है, और अगेन एक ब्रैकेट लगा के पावर दिया हुआ एन, तो इस केस में क्या होगा, दो पावर है, ये दोनों पावर इंटू हो जाता है, एम इंटू एन, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर भी देखिए दो है, पावर एक टू ये है, एक पावर और दिया हुआ, तो इसमें ये दोनों पावर इंटू हो जाएगा, यानी कि एम इंटू एन, यानी कि टू इंटू टू क्या हो जाएगा, फोर, ठीक है ना, प्लस अब देखिए इसको इंटू कीजिए, तो टू टू जा फोर, और ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, इसका पावर क्या वन है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों पावर ऐड कर दीजिए, तो टू और वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया है, एक्स का पावर एम इंटू एक्स का पावर एन, तो इस केस में देखिए बेस एक्स दोनों सेम है, तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा पावर देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या है, टू और वन है, तो यहाँ पर टू और वन पावर जो ऐड हो जाएगा, तो ये फोर एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर क्या है, प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर, तो टू को दो बार इंटू करेंगे तो टू टू जा फोर, और एक्स को भी दो बार इंटू कीजिए तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो अभी तो हमने इसका फॉर्मूला बनाया है, इसको ओपन किया, फॉर्मूला लगाकर वो क्या है, ये आया, तो इसकी जगह आप ये लिखिए, तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं एक्स फोर प्लस ये क्या है, फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ये है, ये इसका जगह हमने ये लिख दिया इक्वल टू, अभी तो इसको हमें सॉल्व करना है ना, इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स फोर प्लस ये क्या है, थ्री प्लस और ये क्या है, फोर एक्स क्यूब, ये दिया हुआ है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पूरी टर्म को इधर साइड लेकर आएंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं एक्स फोर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर, इसका साइन पॉजिटिव ही इधर साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स फोर, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये प्लस थ्री इधर आएगा तो ये माइनस थ्री हो जाएगा, ये प्लस है, इसका साइन क्या है, प्लस है, इधर साइड लेकर आएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू तीनों टर्म इधर लेकर आए तो यहाँ क्या बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है, अब आप देखिए ये x4 है, ये भी x4 है, साइन दोनों का प्लस माइनस है तो कैंसिल, ठीक है, ये फोर एक्स क्यूब है, ये माइनस फोर एक्स क्यूब है, दोनों टर्म सेम है लेकिन साइन अलग है, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास बच क्या रहा है, आप देख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, यही बच रहा है, माइनस थ्री इक्वल टू क्या है हमारा,
फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू, ये हमारा यहाँ बच रहा है जीरो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये है जिसमें कि क्या कहा गया है, ए और बी सी क्या है रियल नंबर्स है, क्या है रियल नंबर्स है, जिसमें ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां समझिए आपको, यहां पर ए बी सी क्या रियल नंबर्स हैं जिसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ए की कोई भी वैल्यू हो, रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन है कि इसमें जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए यानी कि बी और सी जीरो हो सकता है, बी और सी के लिए तो कुछ नहीं कहा गया है ना, रियल नंबर में तो जीरो आता है, जीरो भी रियल नंबर है, तो बी और सी हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो इक्वेशन आया है वो क्या आया है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये किससे आया है, हमने इसको सॉल्व किया जो क्वेश्चन डी था, ठीक है ना। तो ये आया हमारे पास। अब देखिए कंपेयर कीजिए हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, मैं इस इक्वेशन को इसमें फिट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर की जगह तो क्या है हमारा फोर एक्स स्क्वायर है, मैंने बता दिया कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए फोर है हमारा, देख कंपेयर कीजिए, ए क्या है फोर है, तो ये तो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पर लग भी रही है और फुलफिल भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फोर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर क्या है, फिर क्या है प्लस बी एक्स, यानी कि यहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी और जीरो जीरो हो सकता है, तो हम यहाँ पर प्लस करके जीरो एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, जीरो एक्स, हम यहाँ पर इस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जीरो एक्स क्या है भाई, हमने यहाँ पर बी एक्स की जगह क्या लिख दिया है, जीरो एक्स, जीरो एक्स ये क्या है, ये जीरो है और ये एक्स है, इनके बीच में इंटू का साइन है, आप एक्स को जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये टर्म तो ऑलरेडी जीरो ही है, ठीक है। फिर क्या है प्लस सी, तो यहाँ पर क्या है प्लस सी की जगह ये हमारा माइनस थ्री है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप इक्वल टू जीरो। तो ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा ना। तो हमने यहाँ पर जस्ट इसको सेट किया है, ये ए एक्स स्क्वायर की जगह तो फोर एक्स स्क्वायर ये हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये है सी की जगह भी दिख रहा है हमें माइनस थ्री, हमने यहाँ लिख दिया, बचा बी एक्स नहीं था तो बी एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, जीरो एक्स लिख दिया, ठीक है ना, ये ऑलरेडी जीरो ही है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारा ए बी और जो डी है ये तीनों हमारा ए बी डी जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सी वाला, यही हमें फाइंड करना था। तो सी जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका राइट आंसर जो है वो सी है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।